वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि कुछ भी प्लान नहीं होता, कुछ भी आप सोच नहीं है, इमोशंस बाहर आते हैं इसलिए। तो जब मैं जीता तो सबसे पहले मैंने कोर्ट को प्रणाम करा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, कल्चर है हमारा। तो मैंने कोर्ट को प्रणाम करा और कोर्ट को प्रणाम करने के बाद गौरव सर आए पीछे से। तो जब आए तो हम दोनों ने एक दूसरे को हग करा और अपने आप आंसू आ गए थे। वो तो वो एक ऐसा मतलब मोमेंट था कि जिसमें कुछ भी चीज आप पहले से नहीं सोच सकते थे, वो अपने आप हाँ चीजें होती रहती है उसमें। देखिए ये जो मेडल है, मैं ये उन सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा जो इस मतलब मेरे पीछे या इस मेडल के पीछे जिनका सेक्रीफाइसेस है, चाहे वो PCI हो, SAI हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और प्राइम मिनिस्टर सर क्यों ना हो, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर सर का ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका मोटिवेशनल स्पीच बहुत ज्यादा काम आया हमारे लिए। दूसरा तीसरा मतलब आई मीन गोस्पोर्ट फाउंडेशन है, जिन्होंने मुझे बहुत मदद करी। मेरी कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, BPCL में, उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि वो हमेशा कहते हैं कि आप खेलते रहिए और आगे बढ़िए, हमारा हमारे देश का और हमारे लिए मेडल लाते रहिए, यही काफी है। और सर उसके बाद मेरी फैमिली का है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, जैसे कि हमारे गुरु हैं, हमारे कोच हैं, हमारे फिजियो हैं, और पूरे रुद्रपुर वासियों का स्वागत, मतलब आई मीन थैंक यू कहना चाहूंगा कि इस मेडल के पीछे आप लोगों का सेक्रीफाइस। देश के प्रधान व्यक्ति से बात करना, ये एक ऐसा क्षण था कि मतलब हमें इस मेडल से भी ज्यादा, हमें ऐसा लग रहा था कि इस मेडल से भी ज्यादा मतलब बड़ी बात हो गई है, ये ऐसा मोमेंट था। तो देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, उनसे बात करना, घबराहट सी लेकिन मन में बहुत ज्यादा, बट जब उनसे बात करे मिले तो ऐसा लगा कि नहीं, हम बरसों से जानते हैं एक दूसरे को, और बहुत फ्रेंकली और अच्छे से एकदम डील हुई, अच्छे से बात हुई। और सबसे अच्छी बात मुझे उनका लगा कि उनका नेचर ऐसा है कि बिल्कुल सामाजिक नेचर है, कि सबके लिए वो बराबर है, वो किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो हम लोग मेडलिस्ट थे, कोई ब्रॉन्ज मेडल है, कोई सिल्वर मेडल है, कोई गोल्ड मेडल है, या फिर जो लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करके आए और देश के लिए वहां पे खेला, उन लोगों के लिए भी वो सब बराबर थे, वो उन्होंने सबको बराबर में रखा, मतलब ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी उनके लिए। जैसे कि आपने बताया अभी 2017-18 में मैं वर्ल्ड नंबर 1 था, और रेगुलर जी काफी टाइम वर्ल्ड नंबर 1 रहा। उसके बाद फिर एशियन गेम्स आए, फिर अर्जुन अवार्ड मिला मुझे, फिर एशियन गेम्स आए। इन सारी चीजों में कुछ चीजें थोड़ी सी कॉमन थी कि इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, चीजें धीरे धीरे अच्छी हुई मेरे लाइफ में, और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने बैडमिंटन को देता हूँ। क्योंकि जिन मुश्किलों से हम आए और आने के बाद आज आपके सामने बैठे बात कर रहे हैं, और पूरा देश सम्मान कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर सर सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सबके लिए। और लेकिन इसके पीछे जो कहीं ना कहीं, जैसे मेडल है मेरा ब्रॉन्ज मेडल अभी, तो वर्ल्ड नंबर 1 रहने के बाद ब्रॉन्ज मेडल लाना मतलब लेना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब मेरे लिए, या हो सकता है कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चूक थी कि हमने सोचा कि मेडल जो है उसका कलर और अच्छा हो सकता था। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो यही है कि फैमिली जो आपके सपोर्ट में हमेशा रहती है, और जब आपके फैमिली सपोर्ट में मेन रोल अदा कर रहे हैं, अगर वो आपके लाइफ में ना हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटकते हैं। देखिए इसके जी पीछे मैं इस मैच का क्रेडिट जो है, मैं सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने वाइफ को देना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं डेनियल बेफल से हारा, और हारने के बाद जब फुजियारा के साथ मेरा मैच था, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डरा हुआ था। उसके पीछे रीजन ये है कि देश के लिए आप खेलते हैं और देश के लिए मेडल चूक जा, उस टाइम पे मतलब एक मैच हार जाना, और फिर आप ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार कि देश के लिए मेडल जीतना है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भार रहता है कंधों पे और डर रहता है। और उसके बावजूद जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि होस्ट टीम जापान है, जापान के ही प्लेयर के साथ मैच है, जापान की मीडिया वहां पर है, जापान के कैमरे वहां पर है, जापान के लोग दर्शक वहां पर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर था। लेकिन मैं ये पूरा क्रेडिट अपने वाइफ को दूंगा कि जब मेरा मैच खत्म हुआ और उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब मतलब आप घर में मुझ पे जितना गुस्सा करते हैं, उतना गुस्सा अगर आप कोर्ट में कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो इस बात ने एक अलग ही जोश और जज्बा भर दिया, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज मनोज सरकार के पास ओलंपिक पैरा ओलंपिक का भी गोल्ड मेडल है। लोग उनको कोच कहते हैं, मैं उनको गुरु कहता हूँ।
और गुरु का जो मान होता है वो दोनों का मतलब भाषा तो एक ही है, लेकिन जब हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें गुरु कहने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना। कोच और गुरु दोनों सिमिलर ही है, लेकिन गुरु में एक भाव प्रकट होता है, एक ऐसा लगता है एक अपनापन है। तो मैं उनको इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने उनके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छाई देखी है। जो मेरी मम्मी कहती थी वही वो बात कहते हैं कि एक अच्छा इंसान पहले बनिए, तो उनके अंदर मैं वो चीज देखता हूँ। और ये सबसे बड़ा रोल है कि वो एक अच्छे इंसान पहले हैं, बाकी चीज वो बाद में है। और वही मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी ऐसा ही बनूं कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं। दूसरी चीज कोचिंग लाइन की अगर बात करें तो उनकी कोचिंग का जो लेवल है, जो सिखाने का तरीका है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए तो बैडमिंटन टीम ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। छोटी सी बात बताऊंगा कि कहते हैं ना कि जब पेट आधा भरा हो तो ज्यादा भूख लगती है, तो थोड़ी भूख लगी हुई है और उस भूख सिर्फ एक ही चीज की है कि ओलंपिक फिनिश करना है पोडियम पे। मतलब उस पे कलर का मैटर है ही नहीं, आई मीन सॉरी मेडल का मैटर ही नहीं है, एक ही मैटर है कि उस ओलंपिक को जीतना है। और अगर ओलंपिक जीत जाएंगे तो एक ही कलर होता है, वो है गोल्ड।